चाहे इंसान हो या जानवर, प्रकृति ने सभी को रहने लायक उचित आवास दिया है। लेकिन वर्तमान समय में इंसान इतना लालची हो गया है कि उसने हर जगह अपना साम्राज्य स्थापित करने की ठान ली है, और इसी वजह से धरती पर कई वन्य प्रजातियां विलुप्त होने की कगार पर है और कुछ तो अपनी अंतिम सांसें ले रही है। आज दुनिया में कुछ ऐसे जानवरों की प्रजातियों के बारे में बताएंगे जिनकी कुछ ही संख्या शेष बची है। इनमें से कुछ प्रजातियां तो इतनी दुर्लभ है कि इन्हें देखकर आपका दिल भी भर आएगा। अगर इन प्रजातियों के संरक्षण व उत्थान के लिए जल्दी कोई सख्त कदम नहीं उठाए गए तो शायद ये प्रजातियां आपको भविष्य में देखने को ना मिले। आज हम आपको कुछ ऐसे ही जानवरों की प्रजातियों के बारे में बताएंगे जिनका अस्तित्व खतरे में है। इससे पहले कि अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि इस तरह की जानकारी आपको मिलती रहे। सुमात्रा हाथी। दोस्तों, वर्तमान में सुमात्रा हाथी केवल सुमात्रा इंडोनेशिया में ही पाया जाता है। दोस्तों, वर्तमान में सुमात्रा हाथी के विलुप्त होने के मुख्य दो कारण हैं, जिसमें पहला कारण तो इनका सिकुड़ता आवास है, तो दूसरा सुमात्रा हाथी का अभी भी अवैध शिकार बड़े पैमाने पर किया जाता है, जिसका मुख्य कारण इनके दांतों की अवैध तस्करी है। और संरक्षणवादियों ने चेतावनी दी है कि अगर ये अवैध शिकार अभी भी जारी रहा तो आने वाले 10 सालों में ये प्रजाति विलुप्त हो सकती है। अमूर लेपर्ड। दोस्तों, कहते हैं ना, ज्यादा खूबसूरती भी हानिकारक साबित होती है, और अमूर लेपर्ड के केस में भी ऐसा ही है। दरअसल इस लेपर्ड के पास सुंदर स्पॉटेड फर होते हैं, जिनकी वजह से इसका बड़े पैमाने पर अवैध शिकार किया जाता है। इसके अलावा जंगल में अंधाधुंध कटाई व मौसम परिवर्तन के कारण भी इनका आवास सिकुड़ रहा है, जिसके कारण इनके ऊपर विलुप्त होने का खतरा मंडरा रहा है। दोस्तों, अमूर लेपर्ड रूस के सुदूर पूर्व और चीन के आसपास क्षेत्रों में पाए जाते हैं, और ये तेंदुआ 37 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से दौड़ सकता है, और इस तेंदुए को कोरियाई तेंदुए के रूप में भी जाना जाता है। लेदर बैक समुद्री कछुआ। दोस्तों, लेदर बैक समुद्री कछुए को चमड़े का कछुआ या लूथ भी कहा जाता है, और ये कछुआ मगरमच्छ के बाद सबसे बड़ा सरीसृप है, जिसकी लंबाई 1.8 मीटर तक होती है, और वर्तमान में ये कछुए की प्रजाति भी विलुप्त होने की कगार पर है और इसकी संख्या दिन पर दिन घट रही है, और दक्षिण पूर्व एशिया में लगभग इसका पतन हो चुका है। इसका मुख्य कारण इस क्षेत्र में कछुए के अंडे को एक स्वादिष्ट व्यंजन माना जाता है, और इस वजह से ये कछुए की प्रजाति विलुप्त होने की कगार पर है। दोस्तों, जावन गैंडे की प्रजाति भी विलुप्त होने की कगार पर है। दोस्तों, ये गैंडे जावा इंडोनेशिया में उंजल कुलोन नेशनल पार्क में पाए जाते हैं। दोस्तों, जावन गैंडे कभी पूर्वोत्तर भारत और दक्षिण पूर्वी एशिया में भी पाए जाते थे, लेकिन वर्तमान में वहाँ से पूरी तरह से विलुप्त हो चुके हैं। दोस्तों, जावन गैंडे के विलुप्त होने का मुख्य कारण इनका अवैध शिकार है, और इनके सींग की कीमत काला बाजार में $30,000 है, और इस वजह से इनका अवैध तरीके से शिकार किया जाता है, और वर्तमान में गैंडे की ये प्रजाति विलुप्त होने के कगार पर है। सम्राट पेंगुइन। दोस्तों, सम्राट पेंगुइन पेंगुइन की एक प्रजाति है। ब्रिटिश अंटार्कटिक सर्वे के अनुसार 2017 और 18 में लगातार बड़े तूफान आए, जिससे इन क्षेत्रों में युवा पेंगुइन की एक श्रृंखला की जान चली गई, और ग्लोबल वार्मिंग के कारण अंटार्कटिका के क्षेत्र की बर्फ दिन ब दिन कम हो रही है, क्योंकि इनकी सारी गतिविधियां बर्फ के ऊपर पाई जाती है, और वर्तमान में ग्लोबल वार्मिंग के कारण ध्रुवों की बर्फ पिघल रही है, और जिसकी वजह से इनके आहार जैसे कि मछली क्रिल भी प्रभावित हो रहे हैं, जो कि इनका मुख्य भोजन है, और इस वजह से सम्राट पेंगुइन पर भी विलुप्त होने का खतरा मंडरा रहा है। हिम तेंदुआ। दोस्तों, स्नो लेपर्ड मध्य एशिया के बर्फानी इलाकों में लगभग 3500 से लेकर 700 मीटर की ऊंचाई पे पाया जाता है, और हिम तेंदुआ हिमाचल प्रदेश का राजकीय पशु भी है, और स्नो लेपर्ड को 1750 में स्क्रैबन ने खोजा था। दोस्तों, गर्मियों में ये आमतौर पर ऊपरी इलाकों में रहते हैं और सर्दियों में निचले इलाकों में आ जाते हैं, और वर्तमान में स्नो लेपर्ड भी विलुप्त होने की कगार पर है, और एक सर्वे के अनुसार पिछले 16 सालों में स्नो लेपर्ड की संख्या में लगभग 20% कमी आई है। और स्नो लेपर्ड के विलुप्त होने का मुख्य कारण मौसम में होने वाले परिवर्तन और उनके रहने लायक उचित जंगल में कमी
और उन्हें उचित आहार नहीं मिल रहा है। इसी कारण वर्तमान में स्नो लेपर्ड भी विलुप्त होने की कगार। दोस्तों इस लिस्ट में अगला वन्य जीव फिलिपाइन ईगल है जो कि एक बाज की प्रजाति है। दोस्तों फिलिपाइन ईगल को मंकी ईटिंग ईगल और ग्रेट फिलिपिन ईगल के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों ये ईगल अन्य ईगलों से बड़े और ताकतवर होते हैं और साथ ही ये दुर्लभ प्रजाति की लिस्ट में शामिल है और जंगल ही इनके रहने का एकमात्र सहारा है। लेकिन इंसानों ने अपने स्वार्थ की पूर्ति के लिए इनसे इनका निवास छीन लिया है। जंगलों में हो रही लगातार अंधाधुंध कटाई के कारण इनका आवास नष्ट हो रहा है। साथ ही रियल क्रिएचर होने के कारण इनका अवैध शिकार भी किया जाता है। इससे इनकी संख्या दिन ब दिन घटती जा रही है। वर्तमान में 700 से भी कम फिलिपाइन ईगल शेष बचे हैं। वर्तमान समय पे इन पे लुप्त होने का खतरा मंडरा रहा है। दोस्तों अगर आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, अपने आसपास सफाई रखिए। जय हिंद।